तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स इस समय होने वाले हैं। IBPS PO का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, इंडियन बैंक का एग्ज़ाम है और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में, पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन में, जो करेंट ट्रेंड के जो क्वेश्चंस हैं और करंट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आप किसी भी बैंक के एग्ज़ाम में निकलना चाहते हैं, आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको आपको ग्रामर को भी नहीं सीखना है, आपको केवल अप्लाइड ग्रामर सीखना है और आपको इंग्लिश की एक समझ अपने अंदर क्रिएट करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप इंग्लिश सेक्शन को हंसते हंसते बहुत आसानी से एक्यूरेसी के साथ आप निकाल सकते हैं। और यही मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को आप 40 सेकंड ना लेते हुए 4 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। 40 सेकंड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑफिशियल बैंकिंग एग्जाम्स में जो टाइम मिलता है आपको, यू गेट 40 सेकंड टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, बट आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन टेकिंग जस्ट 4 सेकेंड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये वीडियो क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो इसको आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे के जो भी वीडियोस क्लासेस हैं वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे और यदि आपके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आप अद्दा 247 की ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। और इसको इंग्लिश एडवांटेज से आप लेते हैं तो इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अपनी रिक्वेस्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे दे सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको लिंक भेजूँगा और इसके थ्रू आप इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये है करेंट पैटर्न, ये बैंकिंग एग्ज़ाम का करेंट पैटर्न है और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे IBPS PO में, IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नए पैटर्न का मतलब क्या है? नए पैटर्न का मतलब यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके और अलग तरीके से पूछा जाता है। हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। जिस तरीके से किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, उसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते हैं। केवल उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है और अलग तरीके से आपको दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायरेक्शंस दिए हैं और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस दिया है। ये पूरा आप सेंटेंस देख सकते हैं, सेफ्टी डिज़ाइन तक ये पूरा सेंटेंस दिया है। ठीक है, यहाँ से लेके रोड से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस दिया है और इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन तीन पार्ट को यहाँ पर सेपरेटली अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस पार्ट में इसमें ग्रामेटिकल एरर है और उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। यदि फर्स्ट पार्ट में एरर है और उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी सेकंड और थर्ड में नहीं है। और फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में है एरर, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं रोड सेफ्टी बोरोड अ कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको इस तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट करना होता है। ठीक है, एक पार्ट में आपको लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है तो उसके बाद आपको आगे का पार्ट आपको सॉल्व करना है। रोड सेफ्टी बोरोड अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स विच आर डिजाइंड इन द एजम्पशन लिखा है। देखिए, कोई भी चीज़ को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको एक एजम्पशन के बेस पर हम डिज़ाइन करते हैं। दे आर डिजाइंड ऑन द एजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है ये गलत है। ठीक है, एनी थिंग इज डिजाइंड ऑन द एजम्पशन ऑफ समथिंग। ठीक है, डिजाइंड इन द एजम्पशन की जगह हम बोलेंगे डिजाइंड ऑन द एजम्पशन। तो ये जो पार्ट है आपका सेकेंड पार्ट, देखिए यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट दिया है, यहाँ पर दिया है कि एजम्पशन होना चाहिए, यानी इनकी जगह ऑन होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है आपका, ये गलत है। ठीक है, इसमें मतलब आपको ज़रूरत है रिप्लेसमेंट की। ठीक है, डिजाइन ऑन द एजम्पशन दैट इफ ह्यूमन एरर्स आर इनएबिटेबल। ह्यूमन एरर्स ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर दिया है। ठीक है, इनएबिटेबल मतलब आवश्यक हैं, जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव आएगा क्योंकि ह्यूमन एरर्स आर इनएबिटेबल। ह्यूमन एरर्स नाउन है तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए, तो ये सही है। देन रिस्क कैन बी मिनिमाइज, कैन बी एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, कैन बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये सही है। ओनली बाय के साथ हम वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं तो ये सही है। ओनली बाय इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन टू सेफ्टी डिज़ाइन।
तो बाकी का सब सही है यहां पर, केवल सेकंड पार्ट में इसमें गलत है, और सेकंड पार्ट को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड पार्ट में इंप्रूवमेंट आप क्या करेंगे कि डिजाइंड इन द एजम्पशन की जगह डिजाइंड ऑन द एजम्पशन होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा सेकंड, क्योंकि सेकंड जो पार्ट है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ग्रामेटिकली वो जो सेंटेंस जो है वो गलत है। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को करना है, और ट्रिक इसकी यही है कि आपको आपको बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और इसके बेस पर आप ये कर सकते हैं। और ये है एक्चुअली अप्लाइड ग्रामर, इसमें एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि इंग्लिश की समझ आपके अंदर है कि नहीं, और इंग्लिश को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि नहीं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता है कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन के क्या टाइप हैं, प्रोनाउन के क्या टाइप हैं, दीज थिंग्स आर नेवर आस्क इन बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, जो ग्रामर के अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से समझते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए आपके लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ हिंदू द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एनी अदर थिंग, बट यू हैव टू रीड ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड यू हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रेंथन योर रीडिंग स्किल्स। ओके, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम हिंदू ही पढ़ें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, लेकिन रीडिंग शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए बैंकिंग एग्जाम में निकलने के लिए। चलिए, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, द हेल्प ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम। अब देखिए, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस को स्पॉटिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको पार्ट वाई पार्ट उसको एग्जामिन करते हुए जाना है, आपको पूरे क्वेश्चन को ऑन द होल नहीं देखना है, आपको यू हैव टू गो पार्ट बाई पार्ट। ठीक है, और यहाँ से आपको यदि लगता है कि फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट पर जाना है, फिर थर्ड पार्ट पर जाना है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है। द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स सही है यहाँ पर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए डिपेंड्स जो है ये यहाँ पर सही है। द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम ए यहाँ पर सही है, ए यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर नाउन है, तो ए यहाँ पर सही लगा है। इस तरीके से माइन्यूटली आपको एक एक चीज़ को एग्जामिन करना है और उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। द हेल्थ ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स क्रूशली यानी एक ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बाद लगा है तो एक एडवर्ब है, डिपेंड्स तो होता है लेकिन किस तरीके से, डिपेंड्स क्रूशली ऑन द इंसेंटिव्स बैंकर्स। देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डिपेंड्स का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये होती है इंग्लिश की समझ कि इंग्लिश को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सेंटेंस को लिखा है तो यहाँ पर हम हैड कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे इसको। द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स क्रूशली ऑन द इंसेंटिव्स बैंकर्स हैव, यहाँ पर होना चाहिए बैंकर्स हैव इन बीइंग, इन लगा है यहाँ पर, तो इन क्या होता है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये सही है, इन बीइंग माइंडफुल ऑफ रिस्क, माइंडफुल के बाद हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ के बाद नाउन आएगी तो नाउन लगा है रिस्क, एंड ट्रांसपेरेंट के बाद हम अबाउट लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी आपको रीडिंग से, जब आप रीडिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पर तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंट अबाउट द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है कि जो स्थिति क्या है, जो सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही गलती है केवल, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स क्रूशली ऑन द इंसेंटिव्स बैंकर्स हैव इन बीइंग माइंडफुल ऑफ रिस्क एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए यहाँ पर भी हैव दिया है, यानी हैव ये सजेस्ट कर रहा है एग्जामिनर के हैव यहाँ पर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो सेकंड इसका आंसर होगा। सेकंड किस में दिया है, सेकंड में, तो आंसर होगा आपका सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो तैयारी करनी है बैंकिंग एग्ज़ाम की, वो तैयारी जो करनी है वो एग्ज़ाम में निकलने के लिए करनी है, आपको तैयारी सेलेक्ट होने के लिए करनी है, आपको तैयारी विलियम शेक्सपियर बनने के लिए नहीं करनी है, आपको विलियम शेक्सपियर नहीं बनना है, जॉन मिल्टन नहीं बनना है, और इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करना है कि आप एग्ज़ाम में निकल जाएं, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए आपकी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपका गोल होना चाहिए कि किसी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए और गवर्नमेंट जॉब हासिल की जाए।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को बताने से पहले मैं इस ई कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एक्सक्लूसिवली टारगेटेड है आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है, यदि उसमें आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस ई कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक रनिंग बैच है, इस समय ये बैच चल रहा है। इसमें 237 ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं। मैं 300 एडमिशन तक मैंने इसको खोल दिया है, 300 एडमिशन मैं इसमें लूँगा और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, प्री और मेंस का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, लेकिन 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन इसमें आपको मिलेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका प्री एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस इसमें करा दिया जाएगा और उसके बाद फिर इसमें असेसमेंट टेस्ट होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट या असेसमेंट टेस्ट होंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें सारे टैक्सेस और जीएसटी मिला के इसकी जो फीस है वो नाके बराबर फीस है। इस प्राइस में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और इसके साथ एक ऑफर मैं आपको और दे रहा हूँ। इसके साथ 6 ई-बुक आपको मिलेंगी वोकेबलरी की और अड्डा 247 की जो टेस्ट सीरीज़ है जिसमें वीडियो सॉल्यूशन दिए हैं वो भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब ये एक सेंटेंस है और इसको हम पढ़ते हैं। इन विच इज बींग सीन एज ए साइन ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। ये एक नाउन है और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इन विच इज बींग सीन। विच हम कब लगाते हैं, विच हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं, ठीक है। वॉट हम जनरल सेंस में लगाते हैं, विच हम स्पेसिफिक सेंस में लगाते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि व्हाट डू यू लाइक, तो इसका मतलब है कि आपको क्या पसंद है, मतलब मैं आपसे जनरल सेंस में पूछ रहा हूं कि आपको क्या पसंद है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि विच बुक डू यू लाइक, तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम काइंड ऑफ पिकिंग अप, आई एम काइंड ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो विच का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को पिक करना, लेकिन वॉट का यूज़ करते हैं हम जनरल सेंस में। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इन विच इज़ बींग सीन, इन वॉट इज़ बींग सीन एज साइन ऑफ रिलक्टेंस, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ को हम साइन ऑफ रिलक्टेंस की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर विच गलत है। इन वॉट इज बींग सीन ए साइन ऑफ रिलेक्टेंस इन कॉपरेटिंग, इनके साथ कॉपरेटिंग लगा है, सही है, इन कॉपरेटिंग विद द एक्सट्रेटिजन ऑफ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा जो भाग चुका है। डायमंड टेयर नीरव मोदी, ब्रिटिश अथॉरिटी हैव इन्फॉर्म्ड इंडियन एजेंसीज दैट इट्स लेटर और रिक्वेस्ट, इट्स लेटर और रिक्वेस्ट मतलब इंडिया का जो लेटर है, ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटीज हैव इन्फॉर्म्ड इंडियन एजेंसीज दैट्स that its letter of request which usually contains होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि usually के साथ हम simple tense लगाते हैं, that details of the investigation, evidence and witness testimonies might be shared with नीरव मोदी। तो इसमें एक तो ये गलत है आपका, first part गलत है और एक ये आपका second part गलत है, ये contains होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश अथॉरिटीज हैव इन्फॉर्म्ड इंडियन एजेंसीज दैट, एक्चुअली इंडिया के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्रिटिश और इंडिया कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए इट्स यहाँ पर सही है और इट्स का कंपेरिजन भी नहीं दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। वैसे एजेंसीज के हिसाब से इट्स देयर्स होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली इंडिया के लिए है तो यहाँ पर ये सही है, इसका इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखाया यहाँ पर। तो एक तो आपका ये गलत है और एक ये आपका गलत है, ठीक है। एविडेंस एंड विटनेस टेस्टिमोनियल मे बी शेयर्ड सही है, मे बी शेयर्ड सही है। फर्स्ट एंड सेकंड में आपका गलती है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 4, फर्स्ट एंड सेकंड में इसमें गलती है, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है और 4 या 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर से हम पढ़ते हैं, इफ बाग इज द साइट ऑफ हाई ऑक्टेन मिलिट्री परफॉर्मेंसेस ब्रिसलिंग विथ मार्चिंग स्टेप्स एंड पेट्रियोटिक म्यूजिक। देखिए ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या है मार्चिंग स्टेप्स, यहाँ पर क्या है पेट्रियोटिक म्यूजिक, ये दोनों क्या हैं। पेट्रियोटिक म्यूजिक क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, मार्चिंग स्टेप्स क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है और ये नाउन है। तो इस नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करता है,
नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव. तो एग्रेशन क्या है? नाउन है. इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? एग्रेसिव. तो यहां पर होगा एग्रेसिव. ठीक है. द जीरो पॉइंट नियर नडाबेट विल ऑफर सेल्फी फ्रीक्स मेमोरेबल इमेजेस ऑन आ वैरायटी एज ऑफ द कंट्री. जब कंट्री पर्टिकुलर है तो उसका एज भी पर्टिकुलर होगा. यानी यहां पर एक स्थान पर द आएगा. यानी इसमें दो पार्ट में गलती है. सेकेंड और थर्ड पार्ट इसके गलत हैं. तो इसका आंसर होगा फिफ्थ. देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया. इस पूरे क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको नहीं बताया कि इस पूरा क्वेश्चन पूरा सेंटेंस जो दिया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, किसने इसको लिखा है, कहां पर ये यूज किया गया है, ये मैंने आपको नहीं बताया. मैंने इसका आंसर आपको निकाल के बताया और उस आंसर को मैंने जस्टिफाई भी किया. तो दिस इज द रियल ट्रिक. इस तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स को आपको सॉल्व करना है. बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन को और इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है. क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसका पूरा मीनिंग पूरा कॉन्टेक्स्ट किसने लिखा है कहां पर लिखा गया है ये सारा बता सकता हूं. लेकिन यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये वीडियो क्लास जो बनेगी कम से कम 2 से 2.5 घंटे की बनेगी और वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट रहेगा. इसलिए मैं आपको यहां पर हालांकि मैं डिटेल में भी आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सफिशियंटली डिटेल में भी आपको बता रहा हूं. लेकिन बहुत ज़्यादा यदि डिटेल में आप पढ़ेंगे तो ये वीडियो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अब देखते हैं यहां पर देखते हैं. ग्रांटेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब है जंगल में रहने वाले लोग. ठीक है. फॉरेस्ट ड्वेलर्स लीगल राइट्स टू देयर सही है क्योंकि यहां पर ड्वेलर्स लगा हुआ है. ट्रेडिशनल लैंड्स हेल्प्स ये गलत है कि सही है? ये हेल्प सही है क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्रांटेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स लीगल राइट्स टू देयर ट्रेडिशनल लैंड्स हेल्प्स. यहाँ पर हम बता रहे हैं किसी एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि यदि हम ऐसा करें, यदि हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ ऐसा करें तो ये इससे हमें हेल्प मिल सकती है. फॉरेस्ट ड्वेलर्स ग्रांटेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स लीगल राइट, यदि हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स को लीगल राइट्स दे दें जो उनकी ट्रेडिशनल जमीन है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर वो हम उनको ऐसे लीगल राइट दे सकते हैं कि वो उनकी उनकी खुद की लीगल जमीन हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं कि यदि हम ऐसा करें, यदि हम लीगल राइट्स दें किसको? फॉरेस्ट ड्वेलर्स को. तो ये हेल्प कर सकता है किस चीज़ में? इट कैन हेल्प फाइट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज. यहां पर हेल्प टू फाइट भी हो सकता है और हेल्प फाइट भी सही है क्योंकि हेल्प के बाद 2+V1 भी आप लगा सकते हैं और अकेला V1 भी लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव. तो हेल्प्स के बाद ये दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल हैं. 2+V1 भी लगा सकते हैं और बिना 2 के V1 भी लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव. तो ये सही है. ठीक है. तो यहां पर एक एक्शन की बात हो रही है कि यदि हम ऐसा करें, यदि हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स को लीगल राइट दें उनकी ट्रेडिशनल लैंड पर, तो ये हेल्प कर सकता है हमारी किस चीज में? फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें ये हेल्प कर सकता है. बट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द वर्ड्स फॉरेस्ट, वर्ड फॉरेस्ट प्लूरल है तो इसलिए रिमेन यहां पर सही है. अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, रिमेन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, कंट्रोल के साथ हम अंडर लगाते हैं तो ये सही है. With limited access for community, तो ये भी पार्ट सही है. इसमें पार्ट कौन सा गलत है? इसमें एक्चुअली ये पार्ट गलत है क्योंकि यहां पर हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर को लीगल राइट देना उनकी ट्रेडिशनल जमीन पर हमें हेल्प कर सकता है डिफॉरेस्टेशन से लड़ने में. तो यहां पर हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो जो एक्शन होता है वो नाउन के फॉर्म में होता है और उसको हम बोलते हैं जेरंड फॉर्म. तो यहां पर वो जेरेंड फॉर्म आना जरूरी है और जेरेंड फॉर्म इसका होगा ग्रांटिंग. ठीक है. ग्रांटिंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इस तरीके से ये बनेगा. जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बता सकता हूं आपको कि वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हेल्प्स टू मेंटेन योर गुड हेल्थ. ठीक है. इस तरीके से ये बनता है. तो जो जेरेंड होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि ये एक एक्शन का नाम है. तो एक्शन तो अपने आप में एक सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर ये हेल्प जो है ये सही है. और बाकी मैंने क्या बताया था, बाकी ग्रांटेड था जो इसकी जगह ग्रांटिंग होगा. ठीक है. बाकी सब सही है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और केवल फर्स्ट पार्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट. ठीक है.
इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आर फोकस विद फॉरेस्ट, आर फोकस, फोकस जो होता है किसी चीज पर होता है, फोकस विद फॉरेस्ट नहीं होता, फोकस ऑन फॉरेस्ट होता है। तो यहां पर ये गलत है, तो ये फर्स्ट पार्ट गलत हो गया। ठीक है, अब चूंकि एक पार्ट में एक ही गलती है तो इसलिए इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं इसको। आर फोकस ऑन फॉरेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट, फोकस सिंगुलर है तो यहां पर डिस्ट्रैक्ट लगा हुआ है जो कि सही है, डिस्ट्रैक्ट अगर होता तो ये गलत होता, ये सही है। डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है किस चीज से, फ्रॉम द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन, बायोडाइवर्सिटी के बाद इन आता है, बायोडाइवर्सिटी इन अदर नेचुरल हैबिटेट्स सच एज, यहां पर हम काफी सारी चीजों के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो इसलिए सच एज कहना यहां पर सही होगा, यहां पर लाइक कहना सही नहीं होगा क्योंकि लाइक का अर्थ होता है सिमिलर टू। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए सच एज यहां पर सही है। विद अदर, विद एंड अदर, अदर वॉटर बॉडी नहीं होगा, यहां पर होगा बॉडीज, अदर के साथ बॉडीज होगा यहां पर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड, हाँ फर्स्ट और थर्ड में इसमें गलती है। एक तो ये होगा अवर आर फोकस ऑन फॉरेस्ट, एक तो ये गलती है, अदर नेचुरल हैबिटेट लाइक नहीं होगा, और मैंग्रोव रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज, फर्स्ट और थर्ड में इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सेकेंड में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सेकेंड सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी अलाउ क्लाइमेट चेंज टू गो अनचेक्ड, इफ वी अलाउ, इफ वाला जो पार्ट होता है, इफ वाले जो क्लॉजेस होते हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, तो ये सही है। ठीक है, ये वाला पार्ट सही है, इफ वी अलाउ, अलाउ में एस नहीं आएगा क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ एस नहीं आएगा। इफ वी अलाउ क्लाइमेट चेंज, यदि हम क्लाइमेट चेंज को अलाउ करते हैं किस चीज के लिए, टू गो अनचेक्ड, मतलब यदि हम क्लाइमेट चेंज को अलाउ करें कि उसको हम चेक ना करें, टू गो अनचेक्ड, यहां तक सही है। द वेजिटेशन ऑफ दिस प्लानेट इज, इसके साथ गॉन नहीं आता, ठीक है, इज गोइंग टू होना चाहिए, यहां पर इज गोइंग टू होना चाहिए, सेकेंड पार्ट में गलती आ गई, इसमें सेकेंड पार्ट गलत है, इज गोइंग टू लुक कंप्लीटली डिफरेंट, इज गोइंग टू लुक कंप्लीटली डिफरेंट, एक एक पार्ट में एक ही गलती होगी एक्चुअली, यहां पर फ्रॉम भी होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, लेकिन इसमें सजेशन में फ्रॉम नहीं दिया है, तो एक पार्ट में चूंकि एक ही गलती है और वो एक गलती हमें मिल चुकी है, इसलिए सेकेंड पार्ट में गलती मानी जाएगी। डिफरेंट देन इट डज टूडे, ये डज सही है, यहाँ पर इट के साथ डज लगा हुआ है, एंड दैट मीन्स अ ह्यूज रिस्क टू द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लेन, ये प्लेन गलत है एक्चुअली, ये प्लेन एरोप्लेन वाला प्लेन है, ज्योग्राफी का प्लेन नहीं है, ज्योग्राफी का प्लेन ये होता है एक्चुअली। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड में इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपका आंसर होगा इसमें थर्ड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप यदि करें तो आप काफी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किडनीज हैव अ लार्ज वॉल्यूम, अ लार्ज वॉल्यूम सही है, किडनीज प्लूरल है तो हैव लगा है, अ लार्ज वॉल्यूम यहां पे क्वांटिटी बता रहे हैं तो ए सही है, यहां पर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, ब्लड दैट इज फ्लोइंग, ब्लड दैट इज फ्लोइंग की जगह हम ब्लड फ्लोइंग भी बोल सकते हैं, ब्लड दैट इज फ्लोइंग थ्रू डैम, डैम सही है क्योंकि डैम जो लगा है ये किडनीज के लिए लगा है तो इसलिए डैम सही है यहां पर। एंड इफ एनीथिंग हार्म्स, एनीथिंग सिंगुलर है तो हार्म सही है, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द किडनीज, द किडनीज मतलब दो किडनीज में लेके चल रहे हैं तो किडनीज सही है, द किडनीज विल बी द फर्स्ट, द फर्स्ट सही है, टू सेंस दोज, दोज दोज के बाद क्या आएगा, दोज क्या होता है, जैसे हम मैं बोलता हूँ दोज बुक्स, दोज के बाद नाउन आएगा लेकिन अफेक्ट नाउन नहीं होता, इफेक्ट्स नाउन होता है। ठीक है, तो इसमें केवल थर्ड पार्ट में गलती है, देख लेते हैं एक बार और, किडनीज नहीं नहीं हैज नहीं आएगा इसमें, ये फर्स्ट पार्ट सही है, किडनीज हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम, फर्स्ट पार्ट सही है, एंड इफ एनीथिंग हार्म्स, हार्म सही है, द
सर्कुलेटरी सिस्टम द किडनीज विल बी द फर्स्ट टू टू सेंस दोज इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट्स आएगा, यानी केवल थर्ड पार्ट इसमें आपका गलत है और इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपका आंसर होगा इसमें फोर्थ, क्योंकि थर्ड जो पार्ट है वो फोर्थ में दिया है। चलिए आगे ये क्वेश्चन हम देखते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करते हैं। रिसर्चर्स कंक्लूड्स, यदि रिसर्चर प्लूरल में दिया है तो वर्ब प्लूरल में नहीं आएगी, यानी ये पार्ट गलत हो गया आपका। रिसर्चर्स प्लूरल में दिया है तो वर्ब प्लूरल में नहीं आएगी, वर्ब सिंगुलर में आएगी, ठीक है। तो इस चीज को भी, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो यहां पर ये गलत हो गया। दैट माइक्रोब्स इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक्चुअली ऑल्टर द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट लेंसेज वीकनिंग द वॉन्स इन द प्लास्टिक पॉलीमर्स, केवल फर्स्ट पार्ट गलत है इसका, बाकी सब सही है। ये वीकनिंग जो है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम बोलते हैं, जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है या दो एक्शन एक साथ होते हैं तो उनको हम एक एक्शन को हम सिंपल टेंस में और दूसरे एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लिख सकते हैं। तो एक एक्शन जो है ये यहाँ पर पास्ट सिंपल में लिखा है और एक एक्शन जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो इसमें बाकी सब तो सही है, केवल फर्स्ट पार्ट इसमें गलत है। रिसर्चर्स कंक्लूडेड, हाँ ऐसे होगा, ये फैसिलिटी एक्चुअली ऑल्टर द सरफेस, सरफेस के बाद तो ऑफ ही आएगा, ठीक है। वीकनिंग द बोन्स ऑफ द प्लास्टिक पॉलीमर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो एक्शन को इंडिकेट करते हैं इसके थ्रू हम। तो केवल फर्स्ट पार्ट इसका गलत है, बाकी सब सही है। इसमें आंसर होगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट जो है वो थर्ड में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इसको हम पढ़ते हैं। फ्रॉम नर्सरी एडमिशंस टू कॉलेज एंट्रेंसेस एंड जॉब इंटरव्यूज वी आर लीड टू, नहीं होगा वी आर के बाद, जैसे वी आर टॉट, वी आर इंस्ट्रक्टेड, वी आर ट्रेंड, ठीक है। तो वी आर लेड टू बिलीव, यहाँ पे बिलीव भी गलत है। तो कुल मिला के आपका सेकेंड पार्ट गलत हो गया, ठीक है। दिस लीड्स टू, ये लीड सही है। दिस लीड्स टू इनसिक्योरिटी एंड फियर्स विच मे, हाँ यहाँ पर ये भी गलत है, मे के बाद लीड्स नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट गलत हैं इसके, आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, इस तरीके से आप करते हैं। और ये रियल बैंकिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन प्री के हैं और कुछ क्वेश्चन मेंस एग्जाम के हैं। बैंकिंग एग्जाम चाहे कोई भी हो, बैंक पीओ, आईबीपीएस हो, आपका इंडियन बैंक हो, पीजीडीएफ हो, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और नए पैटर्न से घबराने की जरूरत नहीं है, नए पैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है। नए पैटर्न का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है ताकि आपका जो ओरिजिनल आईक्यू है इसको चेक किया जा सके और बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो नए पैटर्न से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो क्लास के बारे में अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। और यदि आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और IBPS क्लर्क 2018 के लिए श्योर सक्सेस टारगेट बैच इस समय चल रहा है। और यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं IBPS क्लर्क में, किसी भी कीमत पर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये ई कोर्स आपके लिए है। इसको आप ज्वाइन करें, मेहनत से पढ़ाई करें, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूं, जिस जो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं, उनको आप फॉलो करें और श्योर श्योर सिलेक्शन लें IBPS क्लर्क में और गवर्नमेंट जॉब करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो क्लास को खत्म करता हूं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।